बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान। आपको बता दें कि सतीश चंद्र दुबे होंगे बीजेपी के उम्मीदवार और शंभू शरण पटेल को भी बीजेपी ने दिया है टिकट। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने यह जानकारी दी है। तो बड़ी खबर हम आपको जिससे रूबरू करा रहे हैं, सतीश चंद्र दुबे होंगे बीजेपी के उम्मीदवार, शंभू शरण पटेल को भी बीजेपी ने टिकट दिया। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए सतीश चंद्र दुबे के उम्मीदवार उनको बनाया है और जिसके बाद सतीश चंद्र दुबे ने भी प्रतिक्रिया दी। बिहार बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची आ गई है, सतीश चंद्र दुबे को दोबारा राज्यसभा भेजा जा रहा है। सर, सबसे पहले बहुत बधाई आपको। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं तो सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, भाई नरेंद्र मोदी को, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी को, बड़ी बहन डिप्टी सीएम रेणु दीदी को, तारकेश्वर प्रसाद जी डिप्टी सीएम को, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ढेर सारा शुभकामना आपके माध्यम से, बहुत बहुत बधाई। क्या प्राथमिकता रहेंगे इस बार राज्यसभा में बिहार के मद्देनजर? देखिए, प्राथमिकता कार्यकर्ता के सामने पार्टी का वर्क होता है। पार्टी जहां मुझे जिस स्तर पे लगाएगी, मैं काम करने के लिए पहले भी काम किया हूं, बूथ स्तर से मैं आया हूं। चलिए, तो हमारे साथ सतीश चंद्र दुबे थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी के लिए जो भी पार्टी की तरफ से डायरेक्शन मिलेगा वो इनकी जिम्मेदारी रहेगी, वो इनको करते रहना है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ नेहा जी, मीडिया दिल्ली। राज्यसभा में सतीश चंद्र दुबे को टिकट मिलने पर बेतिया के नरकटियागंज में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इन लोगों ने खुशी जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकारिणी को धन्यवाद, जिसमें श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को हार्दिक शुभकामना, जेपी नड्डा जी सबको, पुनः सतीश दुबे जी को राज्यसभा सांसद बनाए जाने पे हार्दिक बधाई और सबको धन्यवाद। वही बात करेंगे राज्यसभा के लिए। झारखंड से बीजेपी उम्मीदवार का भी ऐलान हो गया है। बीजेपी ने